अब फिर सरगर्म। औरंगी, कोरंगी और सुरजानी में फायरिंग के वाकयात, एक शख्स जान बहक, पांच जख्मी। शहजेब कत्ल केस में शाहरुख जितोई और सिराज तालपुर की सजाएं कल अदम। हाई कोर्ट ने केस की दोबारा समाअत के लिए सेशन कोर्ट को भिजवा दिया। मोमिनाबाद कराची में जोड़े को कत्ल करके मकान पर ताला डाल दिया गया। लाशें बोरी में बंद करके कब्रिस्तान ले जाई गई। कत्ल में मुलव्वस 9 मुलजिमों का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। कराची की वली का चौरंगी के करीब फैक्ट्री पर छापा, 3 ट्रक गुटखा पकड़ा गया। गुटखा बनाने की 10 मशीनें भी तहवील में ले ली गई। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। हुकूमत सिंध ने 2000 से जायद गैर कानूनी मदारिस बंद कर दिए। 7444 मदारिस में से 97 मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस थे। कादियानियत पर अकायद बताने के लिए राणा सनाउल्लाह को बुला लिया। इस्तीफा भी साथ लाने की हिदायत। मुतमईन हुआ तो इस्तीफा वापस कर दूंगा। ज़ैम कादरी से गुफ्तगू। क्या विफाक के बाद पंजाब के वजीर कानून की बारी? सिराते मुस्तकीम का मॉल रोड लाहौर पर धरना जारी रखने का ऐलान। राणा सनाउल्लाह के इस्तीफे का मुतालबा। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर हलफनामे में तरमीम मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ ने तब्दीली की आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इमरान खान की जेर सदारत इजलास। वजीर दाखिला अहसन इकबाल धरना खत्म कराने के लिए पाक फौज के किरदार के मोतरफ। कहते हैं फौज मुआहिदा ना कराती तो 24 घंटों में फसादात फूट पड़ते। चौधरी निसार ने धरना ऑपरेशन की नाकामी का जिम्मेदार अहसन इकबाल को करार दे दिया। साबिक वजीर दाखिला की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। अदालती फैसला हकायक के खिलाफ था। अवाम और कारकुन मेरे साथ हैं। कभी वजीर आजम को हटा दिया जाता है तो कभी फांसी दी जाती है। नवाज शरीफ का कारकुनान से खिताब। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों पर। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर सजा लिए। गलियां और बाजार सजाने की भी तैयारी। असिलों को तकल्लुफ हो हमसे अगर।
सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना रबीउल अव्वल में 24 न्यूज पर नात की रिवायत बरकरार। अपनी नात सेल्फी हमें भेजें, हम दिखाएंगे सबको। सूद पर लिया गया 40,000 का कर्जा, बेटी की जान ले गया। फैसलाबाद में कर्ज वापस ना मिला तो सूदखोर ने फायरिंग कर दी, 6 साल बच्ची जा महक। ट्वेंटी फोर न्यूज ने आवाज उठाई तो एलडीए को भी होश आ गया। शहरियों की आगाही के लिए लाहौर में वाकई गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा स्कीम्स की फहरिस्त जारी। नासिर अब्बास शेराजी को बाजियाब कराया जाए, लाहौर हाईकोर्ट का खुफिया एजेंसी और पुलिस को हुक्म। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, यहाँ बादशाहत नहीं, जिसको चाहा उठा लिया। गुजरात में 3 फीट का काशी डॉन, 3.5 फीट की दुल्हनिया बहलाया। मेहमान दूल्हा के साथ सेल्फीज बनाते रहे। जिंदगी ने मौत को शिकस्त दे दी, नौजवान गाड़ी ही नहीं खंभे से भी महफूज रहा। ईंटों से भरा ट्रक कार पर गिर गया, ड्राइवर फिर भी बच गया। पौधे खाने पर भारत में गधे जेल पहुंच गए। मालिक ढूंढता हुआ पहुंचा तो मालूम हुआ बीजेपी रहनुमा की मुदाखलत पर रिहाई मिली। जगमगाता आंखों का खैरा करता दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, 3,20,00,000 डॉलर में नैला, सबसे ज्यादा कीमत का रिकॉर्ड नहीं कायम कर सका। डॉक्टर वेस नोलन, आई एम ग्लैड यू कैन फाइनली जॉइन अस। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निजाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती? इंसाफ, आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन